सबसे बड़ा सवाल एलआईसी एजेंट के सामने और वो है एक महीने में कैसे हम डीआरटी करें। आज के समय में हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में एक ही बात चल रही है और ये है कि सिर्फ एक महीना बचा है और इस एक महीने में हम कैसे, क्या करके, किस तरीके से, कौन से तरीके अपना के एमडीआरटी कर सकते हैं, क्योंकि एमडीआरटी करने का जो वक्त होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और अभी सिर्फ एक महीना आपके पास बचा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस एक महीने में भी आप एमडीआरटी कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है जो वाकई में चाहते हैं कि वो एक महीने में किस तरीके से एमडीआरटी करें। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ना ही वीडियो को फॉरवर्ड करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी टीम के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग, और भी एडवाइजर समझ पाएं कि क्या वो वाकई में एक महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं, किन तरीकों को यूज़ करके वो एमडीआरटी कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर का सपना, जो रात दिन वो मेहनत करता है, जो रात दिन वो सोचता है, उसके मन में एक ही ख्याल चलता रहता है कि मुझे एमडीआरटी करनी है, मुझे एमडीआरटी करके यूएसए जाना है। लेकिन वो एमडीआरटी कैसे करेगा? 11 महीने निकल जाते हैं, 11 महीने निकलने के बाद उसको लगता है कि अब कैसे एमडीआरटी कर पाऊंगा। तो वाकई में अगर आप सही तरीके से, सही एक्टिविटी करेंगे तो आप वाकई में एक महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं। जो 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो 5 के 5 तरीके आपको आज से ही इंप्लीमेंट करने शुरू कर देने। अगर आप इन तरीकों को आज से ही अपनाना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आप एक महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल है, क्या आपको पता है कि एमडीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आपको पता है एमडीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यह मैसेज जाएगा कि आप वाकई में सीरियस हैं एमडीआरटी करने के लिए। सबसे पहला दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, हो सकता है आज आप काम कर रहे हो, इस काम को आपने आज शुरू नहीं किया है, इस काम को शुरू करने के लिए आपने पिछले 10 साल से आप मेहनत करते आ रहे हो, पिछले 15 साल से आप मेहनत करते आ रहे हो, मेहनत करने के बाद आप आज तक एमडीआरटी नहीं कर पाए हो। हो सकता है कुछ नए एडवाइजर हो जिन्होंने हाल फिलहाल में अभी 1 साल या 2 साल पहले एजेंसी ली हुई हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे एडवाइजर हो जिनको 20-20 साल हो चुके हैं LIC में या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन अभी तक वो एमडीआरटी नहीं कर पाए हैं। क्या कभी आपने आत्ममंथन किया है? क्या कभी आपने बैठकर ये सोचा है कि मैं क्यों एमडीआरटी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों COT नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों TOT नहीं कर पा रहा हूँ? अरे LIC आपको इतना सारा बेनिफिट देती है, आपको घर बनाने के लिए पैसा देती है, आपको गाड़ी के लिए पैसा देती है, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देती है, आपको फेस्टिवल पे खर्चे के लिए पैसा देती है, इतना सारा बेनिफिट LIC आपको देती है। लेकिन ये बेनिफिट आपको मिलता है या नहीं मिलता है ये आपको पता ही नहीं कि आप इस बेनिफिट को पा सकते हो। अगर आपको पता है कि ये सब बेनिफिट आप पा सकते हो LIC में तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों LIC में प्रमोशन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सही तरीके से लगातार 3 साल तक काम करेंगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगा। LIC में डिस्टिंग्विश क्लब मेंबरशिप होती है, BM क्लब मेंबरशिप होती है, DM क्लब मेंबरशिप होती है, चेयरमैन क्लब मेंबरशिप होती है, बहुत सारे तरीके की क्लब मेंबरशिप होती है। अगर आप इनको कर लेते हो, गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप होती है, अगर आप इनको कर लेते हो तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको इतना बेनिफिट LIC देती है कि आप नौकरी वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा पैसा तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेडिक्लेम भी मिलेगा, आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, आपको गाड़ी के लिए पैसा भी मिलेगा, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भी मिलेगा, आपको घर लेने के लिए पैसा भी मिलेगा। अगर आपको पता है या फिर आप चाहते हैं कि इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्लब मेंबरशिप के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं जो कि मेरे YouTube चैनल पर दी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो 5 क्या क्या एक्टिविटी आपको करनी है आज से ही जो आपको सिर्फ एक महीने में एमडीआरटी करा सकती है। सबसे पहला है दोस्तों, और ये आपको वीडियो देख के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है,
आपको ये फायदा तब होगा जब आप मेरे बताए हुए तरीकों को यूज करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी रियल लाइफ में। और आप आज प्रण लीजिए कि आप ये पांचों पॉइंट कल से ही करना शुरू कर देंगे। डायरी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करने शुरू कर दीजिए ये पांचों पॉइंट। पहला पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर वन, जो आप नहीं करते हो वो है, जितनी भी आपके घर में डायरी पड़ी हुई हैं जो आपने आज तक यूज की हैं, जिन डायरियों में आपने नंबर लिखे हुए हैं और उन नंबर को काट दिया आपने, वो सारी डायरी उठाइए और उन डायरियों में से ऐसे नंबर निकालिए जो कहीं ना कहीं आपसे मिल चुके हैं या आप उनसे मिल चुके हो। ऐसे लोगों के नंबर निकालिए, आप उनसे फेस टू फेस एक बार अगर मिल चुके हो, उन सभी लोगों के नंबर आप निकालिए अपनी डायरी में से, अपने रजिस्टर में से, जो रजिस्टर आपने उठा के ऐसे ही कूड़े कचरे में डाल रखे हैं, सारे रजिस्टर ढूंढिए आप, उन लोगों के नंबर लीजिए, उनका नाम नोट करिए, उनके नंबर नोट कीजिए, उनकी बैकग्राउंड क्या है वो आप लिखिए, उनकी फैमिली में कौन कौन है वो लिखिए और उन सब की एक लिस्ट आप बैठ के बनाइए। आप एक दिन लीजिए, दो दिन लीजिए, तीन दिन लीजिए, चार दिन लीजिए, लेकिन उन सब की आप लिस्ट बनाइए, एक नया रजिस्टर लीजिए, उस रजिस्टर में उन सब के नाम और नंबर आप नोट कीजिए। उसके बाद आप उन सबको पर्सनली फ़ोन कीजिए, उन सबको आप फेस्टिवल पर पर्सनली फ़ोन कीजिए और उनको उस त्यौहार के बारे में विशेष दीजिए। ये काम आपको करना है। इसके साथ साथ आपके पास अगर उनकी ईमेल आईडी नहीं है तो उनको फोन करके उन सब लोगों की आप ईमेल आईडी नोट कीजिए। और ये सब काम करने के बाद आप ये सारा डाटा अपने कंप्यूटर में एक्सेल सीट पर उतारिए, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तीन काम आपको आज से ही करने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर आपने ले लिया, ईमेल आईडी आपने ले ली, इसके बाद आप उन सब नंबर पर एसएमएस भेजेंगे, बल्क एसएमएस आप भेजेंगे। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पर आप उनको विशेष भेजिए, आप होली पर उनको विशेष भेजिए, क्रिसमस आता है क्रिसमस पर आप उनको विशेष भेजिए, इसके साथ साथ न्यू ईयर या कोई भी फेस्टिवल आता है उस पर आपको उनको ग्रीटिंग्स भेजनी है, विशेष भेजनी है। और इसके साथ साथ उनकी जो ईमेल आईडी है, उन ईमेल आईडी पर आपको बल्क मैसेज करने हैं, बल्क ईमेल करनी है। यहां से आपका कनेक्शन कस्टमर के साथ बन जाएगा। जो कनेक्शन आप खो चुके थे बीच में, जो कनेक्शन बन चुका था लेकिन आपने बीच में उनको फॉलोअप नहीं किया, वो कनेक्शन हट चुका था, वो कनेक्शन आपको आज से ही दोबारा से स्टार्ट करना है, राइट? पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, रोज आपका रोज का नियम है, रोज तीन नए लोगों से आपको फेस टू फेस मिलना है, तीन नए लोगों से आपको फेस टू फेस मिलना है। मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने फोन उठाया और कस्टमर को फोन मिलाया, फिर दूसरे कस्टमर को मिलाया, फिर तीसरे कस्टमर को मिलाया और काम खत्म। तीन नंबर पर मैं बात करने की बात नहीं कर रहा हूं, तीन लोगों से फेस टू फेस मिलने की मैं बात कर रहा हूं। आपको उन तीन लोगों से फेस टू फेस मिलना है, उनको फेस टू फेस मिलकर बैठकर प्लान समझाना है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, उनको बताना है इंश्योरेंस के बारे में, उनको बताना है इंश्योरेंस के बेनिफिट, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, उसकी फैमिली में अगर बच्चे हैं तो उसको बताना है कि बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों करानी चाहिए। ये आपको कैसे करना है, ये आपको तीन नए लोगों से मिलकर उनसे रोज मीटिंग करनी है, उनसे फेस टू फेस मीटिंग करनी है और उनको प्लान समझाना है। अगला पॉइंट नंबर थ्री है दोस्तों, ये है, जो भी आपको खाली समय मिलता है, उस खाली समय में आपने जो डाटा निकाला था, जो आपने रजिस्टर में एंट्री की थी, उनका नंबर लिया था, उनकी ईमेल आईडी ली थी, उस ईमेल आईडी पर आपको 10 नए लोगों को पीडीएफ भेजनी है दोस्तों। 10 नए लोगों को आपको पीडीएफ भेजनी है, क्योंकि उन लोगों से आप बात करेंगे, उनसे आप पूछेंगे फैमिली में कौन कौन है, कितने इन्वेस्टमेंट है आपकी, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको रोज 10 नए लोगों को पीडीएफ बनाकर भेजनी है। अब जब आप उनको पीडीएफ बनाकर भेजेंगे तो उन 10 लोगों को आपने आज भेजा, कुछ 10 लोगों को आपने कल भेजा, इस तरीके से महीने में 30 दिन होते हैं तो एक महीने में आप 300 लोगों को पीडीएफ बना के भेजेंगे। अब उन 300 लोगों में से कम से कम 10% भी अगर हम लगाते हैं तो 30 लोग ऐसे होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बुलाएंगे मीटिंग के लिए। तो यहां से आपको महीने में 30 मीटिंग मिल सकती हैं, तो आपको ये मीटिंग भी
अटेंड करनी है, इन लोगों से भी मिलना है, और साथ साथ जो 3 नए लोगों से आप रोज मिल रहे हो उन लोगों से भी आपको मीटिंग करनी है। तो यहां से आपके प्रोस्पेक्ट बनते जाएंगे। और पीडीएफ कैसे भेजनी है आपको, या तो आप व्हाट्सएप पर भेजिए, या आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला के, जो आपके पास ईमेल आईडी है उन ईमेल आईडी पर आप एडवर्टाइजमेंट चला के उन लोगों को प्लान बता सकते हैं। चौथा तरीका जो आपको अपनाना है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, और ये है आप में से लगभग आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर, चलो आधे मान लेते हैं, आप में से आधे LIC एजेंट रोज अपना टाइम वेस्ट करते हैं ब्रांच में। आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताइए मुझे, आप सुबह ब्रांच में चले जाते हो और शाम को ब्रांच से उठ के आ जाते हो, ब्रांच में जाके क्या करते हो? बस इधर उधर की बातें करनी है, काम की बात कुछ होती नहीं है, इधर उधर की बातें करके शाम को अपने घर पे आ जाते हैं। क्या किया आपने ब्रांच में जाके? कौन सा तीर मार दिया आपने ब्रांच में जाके? कोई फायदा हुआ आपको ब्रांच में जाके? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज से ही ब्रांच में जाना बंद। आप में से कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर ब्रांच में सिर्फ तभी जाएगा जब आपको ब्रांच में काम होगा, जब आपको ब्रांच में पॉलिसी लॉगिन करानी होगी, किसी की पॉलिसी रिवाइव करानी है, किसी का एड्रेस चेंज कराना है, यानी कि जब भी आपको काम होगा तभी आप ब्रांच में जाएंगे। ब्रांच में रोज आपको नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट अगर आपको कलेक्ट करने हैं किसी कस्टमर के, तो अपना समय डॉक्यूमेंटेशन में मत खराब कीजिए। या आप क्या करते हैं, आपका कोई कस्टमर है वो आपको बुलाता है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट ले जाइए, मेरी पॉलिसी रिवाइव करानी है, आप अपना पूरा दिन सिर्फ पॉलिसी रिवाइव कराने में खराब कर देते हो। ये नहीं करना है। अगर आपका कस्टमर है, उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, उसको अपनी पॉलिसी रिवाइव करानी है, तो आप कोई लड़का हायर कर लीजिए, एक स्टाफ रख लीजिए अपने साथ, कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए। वो किस लिए होगा? वो होगा प्रीमियम कलेक्शन के लिए, वो होगा कोई डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करनी है उसके लिए होगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप अपना समय सिर्फ कस्टमर से मीटिंग में दीजिए, आप अपना समय कस्टमर से फ़ोन पे बात करने में दीजिए, ना कि आप अपना पूरा समय ब्रांच में बैठ के खर्च कर देते हो, अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हो ब्रांच में, और आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप ये काम करते हैं तो आज से ही इस काम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको कहीं ना कहीं MDRT करने में मदद करेगा, ये है अपनी नॉलेज आप बढ़ाइए, प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाइए, और इसके साथ साथ आपको आनंदा एप्लीकेशन को यूज करना सीखना होगा। अभी भी आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिनको आनंदा एप्लीकेशन यूज करनी आती ही नहीं है। भाई आनंदा एप्लीकेशन के इतने सारे बेनिफिट है, इतने सारे बेनिफिट हैं, अगर आपने सीख लिया तो आपकी सरदर्दी आधी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए, फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाइए, और आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इंश्योरेंस के बारे में यूट्यूब पर वीडियो डालें, इंश्योरेंस के बारे में फेसबुक पर वीडियो डालें, और नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में वीडियो डालें, नए नए कॉम्बिनेशन बना के उनके बारे में वीडियो डालें, क्योंकि जिन लोगों को पॉलिसी खरीदनी है वो क्या करेंगे? वो यूट्यूब पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे कि कौन सी पॉलिसी अच्छी चल रही है, वो क्या करेंगे? वो YouTube पर नए नए प्लान सर्च करेंगे। तो अगर आपका वीडियो उसको YouTube पर मिल जाता है और वो आपके शहर में ही रहता है और आपने उस पर अपनी वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है, तो वो कस्टमर आपकी वीडियो देखेगा और आपके नंबर पर कॉल करेगा और यहाँ से भी आपको कस्टमर मिलेंगे। तो दोस्तों ये सब तरीके मैंने बताए कि आप एक महीने में MDRT कर सकते हो। आप एक महीना जरा इस तरीके को आजमा के देखिए और फिर देखिए क्या कमाल का आपका बिजनेस चलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि सर आपकी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन या किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुँचता है। तो दोस्तों इसका रीज़न यही है कि आपने बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है, उसके बाद जब भी हम अपना कोई वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे
आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।